नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वरदान न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ लैला शाहिया। चलिए शुरुआत करते हैं ईश्वर की खबरों के साथ। बहुचर्चित कोच एसिड कांड का जालौन पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल निर्देशन में गठित स्पेशल तीनों टीमों ने थाना कोंच पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोंच क्षेत्र के अंतर्गत में हुई कोरोसिव केमिकल अटैक की सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए चार अभियुक्तगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस कप्तान रवि कुमार द्वारा गठित तीनों टीमों को मिली बड़ी सफलता। एसिड अटैक का मास्टरमाइंड खुद लड़की आकांक्षा का जीजा ही था। अपनी साली के ऊपर रखता था बुरी नजर, जीजा ही निकला घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड। वारदात अंजाम देने को लेकर 7 लाख रुपए में की थी डील। प्लानिंग के तहत पूरा मामला सीसीटीवी में लाइव देख रहा था। गठित टीमों को दिया जाएगा एसपी द्वारा इनाम। मुख्य आरोपी पकड़ने के बाद बचे हुए आरोपियों को जल्द ही पुलिस लेगी हिरासत में। देखिए, ये कोच वाली जो एसिड अटैक की घटना 21 तारीख को हुई थी उसका आज खुलासा किया जा रहा है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 अभी अन्य वांछित फरार हैं, उन लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई है और इसमें जो इनका मेन मास्टरमाइंड है वो लड़की का जीजा है, उसका नाम पंकज और प्रेम नारायण है और यह रहने वाला औरैया का है। ये लड़की के साथ वैर रखता था और कुछ कारणों से उससे चिढ़ा हुआ था और उस पर इसने अटैक की प्लानिंग 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जब इसने प्लानिंग 1 महीना पहले स्टार्ट की तो पहले इस एरिया का रेकी करने के लिए इसने अपने ड्राइवर संजू पाल का प्रयोग किया। उसके माध्यम से इसने अपराधियों को जुटाया और अपराधियों को जुटाने में जो इसने संपर्क किया उसके लिए इन्होंने औरैया से स्टार्ट की मीटिंग और उसके बाद बार बार कोच में आके रेकी भी की और उसके बाद प्लानिंग करके इन लोगों ने घटना को अंजाम देने वाली कहा की होगी। देखिए, घटना के अंजाम देने वाले जो फुटेज में आपने मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्तियों को देखा है उसमें गौरव है जो आज पकड़ा गया है और एक अन्य व्यक्ति फरार है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और संभवतः उस टीमें लगी हुई है और उसकी भी आज या कल तक गिरफ्तारी हो जाएगी।